पहली बात तो ये, मैं लड़की हूँ लेकिन मुझे कभी फील नहीं हो कि मैं लड़की हूँ। मुझे मेरे घर में मेरे पापा ने मुझे अपनी बेटी की तरह पाला है, वो मुझे अपनी शेरनी की तरह रखते हैं और उन्हें कभी लड़कों में और लड़कियों में भेदभाव नहीं रखते। मैं भी बाड़मेर के बाईतू की धरती से आता हूँ, तो मैं मेरी जो जन्मभूमि है उनको भी प्रणाम करता हूँ। पापा जी को फिर किसने बताया, आपने बताया या फिर पापा जी को पहले पता चल गया था कि नहीं हमारी बेटी ने जोधपुर टॉप किया है? घर पर थे और फिर स्कूल में आए तो पता चल गया। परिवेश, हमारी जो ऑडियंस है वो कहीं ना कहीं ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग हैं, वो यहाँ पे आए तो क्यों आए? क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, सर बहुत सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं हमको। इस वक्त मैं जोधपुर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान में से एक, भारत आदर्श पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल और CRC इंस्टीट्यूट के इस परिसर के अंदर हूँ और मेरे साथ में यहाँ पे तमाम स्टूडेंट हैं, यहाँ के निदेशक सर हैं, इनसे जानते हैं, तमाम बातें करते हैं और जिस तरह से इस साल का जो रिजल्ट रहा है उसे देखते हुए कहीं ना कहीं जोधपुर की गलियों के अंदर इस शिक्षण संस्थान की बखूबी चर्चाएँ हो रही है। मेरे साथ में यहाँ के तमाम स्टूडेंट हैं, इनसे सिलसिलेवार ढंग से बात करते हैं। सबसे पहले आपसे बात करते हैं, आपको बता दें कि ये ममता बेनीवाल हैं जिनको सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हर कोई आप लोग जानते होंगे पिछले 2-3 दिनों से, क्योंकि ममता ने पूरा जोधपुर टॉप किया है और इसी इंस्टीट्यूट के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं ममता, आपको सबसे पहले हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। कितने बजे आपको, आपने रिजल्ट देखा? 5 बजे। 5 बजे सबसे पहले किसने देखा था? भाई ने। भाई ने देखा, भाई ने क्या बताया फिर आपको? भाई भाई तो बहुत खुश हो गया, उसने मुझे गले लगाया और सारे परिवार खुश है। मेरे पापा भी बहुत खुश है क्योंकि उनको इतनी उम्मीद थी मुझसे। अच्छा, पापा जी को फिर किसने बताया, आपने बताया या फिर पापा जी को पहले पता चल गया था कि नहीं हमारी बेटी ने जोधपुर टॉप किया है? घर पर थे और फिर स्कूल में आए तो पता चल गया। क्या माहौल था परिवार का? बहुत खुश है सारा परिवार, गांव वाले सब खुश है, सब बधाई दे रहे हैं। सब बधाई दे रहे हैं, बहुत बहुत बधाई आपको। अब विश्वविद्यालय की बात करें, सर आपके पास में बैठे हैं और भी आपके सहयोगी सहपाठी आपके साथ में हैं, किस प्रकार का माहौल था, किस परिस्थितियों में आप पढ़ी, क्या आपको मालूम था कि पहले से नहीं मैं ऐसा कर सकती हूँ मैं करूँगी? उम्मीद तो थी सर, हमारे यहाँ माहौल बहुत ही अच्छा था। जैसे एग्ज़ाम नज़दीक गए तो हमें लाइब्रेरी में बैठाया गया, माहौल बहुत ही अच्छा था। सर हमेशा आते थे, हमें मोटिवेट करते थे और सर ने भी मुझे यूँ हौसला दिया और मुझे उम्मीद थी कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। क्या सपना क्या आ गया? सिविल सर्विस में जाके लोगों की सेवा करना। ग्रामीण परिवेश के अंदर हम आज भी देखते हैं कि कहीं ना कहीं बच्चियां 10वीं 12वीं के बाद में उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है या फिर किसी और वजह से वो कहीं ना कहीं शिक्षा से वंचित रह पाती है, क्या मैसेज देना चाहिए उनके लिए? पहली बात तो ये, मैं लड़की हूँ लेकिन मुझे कभी फील नहीं हो कि मैं लड़की हूँ। मुझे मेरे घर में मेरे पापा ने मुझे अपनी बेटी की तरह पाला है, वो मुझे अपनी शेरनी की तरह रखते हैं और उन्हें कभी लड़कों में और लड़कियों में भेदभाव नहीं रखा है। मेरा सारा परिवार मुझे बहुत सपोर्ट करता है और मैं सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी लड़कियों को कम ना समझे और उन्हें आगे प्रोत्साहित करें। बहुत बहुत अच्छी बात की आपने। चलिए, आपका क्या नाम है? पिंकी कंवर पाटी। अच्छा पिंकी, आप कौन सी में, 10th में? नहीं, 12th, साइंस मैथ की स्टूडेंट। अच्छा, कितने परसेंटेज बने आपके? 94%। 94% अपने आप के अंदर 94% बहुत ही ज़्यादा होते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस शिक्षण संस्थान के लिए, कितना सहयोग रहा? शिक्षक संस्थान का मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे अपने गुरुजनों की सपोर्ट, डायरेक्टर सर CR चौधरी, प्रिंसिपल सर महेंद्र जी चौधरी और वाइस प्रिंसिपल मैम स्वरूप चौधरी, इन सब ने अपने सपोर्ट और मेरे परिवार के सपोर्ट की वजह से, मैं अपनी कड़ी मेहनत की वजह से आज यह मुकाम हासिल कर पाई हूँ। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? भावना चौधरी। अच्छा भावना, कहाँ से हो आप? मैं जोधपुर से। जोधपुर से ही हो आप, कौन सी में? मैं 12th। 12th में हो, कितने परसेंट बने आपके? 93.20%। बहुत ही अच्छा। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से, क्या है आपका ड्रीम, क्या है? ड्रीम तो सर नीट क्रैक करना है। अच्छा, आपकी बच्ची है? मेरी डॉटर है। अच्छा, नमस्ते। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आपकी बच्ची 90+ मार्क लेकर आ रही है, अपने आपके अंदर एक बहुत ही बड़ी बात होती है। क्या देखते हैं, कहीं ना कहीं एक ये भी थ्योरी चलती है हमारे के समाज के बीच में कि नहीं लड़कियों को लेकर के, कहीं ना कहीं ग्रामीण परिवेश के अंदर आज भी हमें देखने को मिलती है, लेकिन आप अपनी बच्ची का जिस तरह से हौसला अफजाई कर रही है, यहाँ पर जिस तरह से ये सम्मान हो रहा है, आप साथ में आई है, कहीं ना कहीं हौसला अफजाई आप लोग कर रहे हैं, क्या मानते हैं? सही बात है, बच्चों का हौसला बढ़ाना चाहिए बच्चियों का। और परिस्थितियाँ भी बड़ी नाजुक है परिवार की, लेकिन घर मेरे पिताजी हैं, उनका पूरा सपोर्ट रहा है। अच्छा, गुड़िया के पिताजी है नहीं, तो बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजर कर जो है यहाँ तक बच्चे को कहा, अच्छी मेहनत करो, अपने ज़िंदगी को अच्छा बनाना है तो कड़ी मेहनत कीजिए। और विद्यालय के संस्था प्रधान CRC सर का धन्यवाद कि उनका पूरा सपोर्ट रहा। स्वरूप मैडम ने बहुत ही सपोर्ट दिया मुझे, बच्ची का बहुत ही ध्यान रखा, एक बड़े भाई के समान। महेंद्र जी ने भी बहुत ध्यान रखा बच्चों का, वो प्रिंसिपल है, पूरा एक परिवार की तरह है।
इसलिए आगे भी सभी को ये कहना चाहेंगे, दूसरे भी विद्यार्थी है तो वो भी इस विद्यालय में आए ताकि उनके बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो। धन्यवाद। आपका क्या नाम है? राशि जैन। अच्छा, कहाँ से हो? जोधपुर से हो? जोधपुर से। अच्छा, आप कौन सी में हो? मैं टेंथ। टेंथ में हो। अच्छा, कितने मार्क आए थे? 96.17। बहुत ही शानदार। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कहना चाहेंगे, ड्रीम क्या है आपका? सीए बनना है, कॉमर्स लेके। सीए बनना है, बहुत ही बड़ा ड्रीम है, लेकिन बड़ा तो होगा क्योंकि आप बड़े गुरुजनों के छत्रछाया में पढ़ाई कर रहे हैं और बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर हैं। चलिए ये बताइए, विद्यालय का पारिवारिक माहौल कैसा था? अगर ग्रामीण परिवेश, हमारी जो ऑडियंस है वो कहीं ना कहीं ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग हैं, वो यहाँ पे आए तो क्यों आए? क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, सर बहुत सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं हमको, प्रिंसिपल सर बहुत सपोर्ट करते हैं, वाइस प्रिंसिपल सर रूप में बहुत सपोर्ट करते हैं हमको, बताते हैं कैसे क्या करना है। अच्छा, ये आपके मॉम है। नमस्ते मैडम। नमस्ते। आपकी बेटी ने जिस तरह से 96% गेन किया, अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ी बात होती है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बहुत खुश हूँ, मेरी फैमिली बहुत खुश है, और यहाँ के जो गुरुजन, जो भी इसके टीचर्स पढ़ाने वाले थे, उनको मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, और साथ साथ डायरेक्टर सर का भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो बच्चों की हर ज़रूरत का ध्यान रखते थे, हर समय मोटिवेट करते रहते थे, और टाइम टाइम पे बच्चों का और टीचर्स का फीडबैक लेते रहते थे ताकि बच्चे आगे अच्छे से पढ़ सके और टीचर्स वगैरह भी अच्छे से ध्यान रखें। इसी वजह से यहाँ का परिणाम बहुत अच्छा रह रहा है बस, और आगे सीआरसी के उज्ज्वल भविष्य काम करने चाहूँगी। धन्यवाद। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? सोनिया भाटी। सोनिया। सोनिया जोधपुर से ही हो आप? अच्छा, कौन सी में हो आप? टेंथ। टेंथ में हो। कितने मार्क्स आए आपके? 94। क्या कहीं ये जो स्कूल है, आप नहीं मानते कि नहीं हम इस स्कूल में आए, हमें इतने अच्छे गुरुजी मिले, इतना एक अच्छा इंस्टीट्यूट मिला जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं अपने जो एक सपना होता, जो ड्रीम होता, उसमें कहीं ना कहीं नज़दीक जाने की कोशिश कर रहे हैं? जी, इस स्कूल में सबको सपोर्ट मिलता है, इस स्कूल के रूल्स अच्छे हैं जिससे सब स्टूडेंट्स चाहे तो अपना सपना पूरा कर सकते हैं, बस खुद की मेहनत और इस स्कूल की मेहनत अच्छी है। अच्छा, आपके साथ में कौन है? मेरे काकू सा। अच्छा, आपके काकू सा हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। कहाँ से? जोधपुर से हूँ। नहीं, संग्राम सिंह इडानी। अच्छा, बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे? मैं ऑल स्टाफ का पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ, बाकी जो भी यहाँ का स्टाफ है अच्छा है, और रूल्स वगैरह जो भी अच्छे हैं, बाकी जो संस्थापक सर है उनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि बच्चों के ऊपर अगर इतना परसेंट बढ़ाना बहुत गर्व की बात होती है, तो वो पूरा ध्यान देते हैं बच्चों के ऊपर, इस वजह से अच्छा है, बाकी रूल्स अच्छे जी। शुरुआत से ही है, प्रत्येक बच्चे को बारीकी से यहाँ पे ज्ञान अध्ययन करवाया जाता है, कमज़ोर बच्चा है कैसे है, उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। बात करें टेंथ बोर्ड रिजल्ट की, तो पूरे जोधपुर में बच्ची है ममता चौधरी, उसने टॉप किया, टोटल मिला के 72 बच्चे थे, उसमें से 59 फर्स्ट डिवीज़न हुए, 9 बच्चे सेकंड डिवीज़न, 2 बच्चे थर्ड डिवीज़न आए, बाद ट्वेल्थ की टोटल मिला के 50 बच्चे थे, 50 में से 51 डिवीज़न है। ठीक है, एक तरह से माना जाए तो विद्यालय में एक आज से 4-5 साल पहले रनिंग सील्ड मिली थी सर्वश्रेष्ठ विद्यालय के तौर पर, इस साल और पूरी पूरी संभावना मिलने की। बात करें यहाँ के स्टाफ की, तो हमारे यहाँ फैकल्टी बहुत अच्छी है, ठीक है, और हम चाहते हैं आने वाले टाइम में इससे भी और बेहतर रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। सीआर सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई इतना एक अच्छा रिजल्ट देने के लिए, जोधपुर को देने के लिए, स्थार को देने के लिए। बिल्कुल सर, थैंक यू। चंदन जी, सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को मैं ढेर सारी शुभकामनाएँ देता हूँ। मैंने कई बार फेसबुक पे और यूट्यूब पे आपके जो भी वीडियोस वगैरह आते हैं मैं उनको देखता रहता हूँ, और वास्तव में आपका जो काम करने का तरीका है निश्चित रूप से एक समाज उत्थान के लिए, और एक अपन कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को हमेशा आप समय समय पर उठाते हैं, और अच्छी न्यूज़ को हमेशा आप लोग कवरेज। थैंक यू सर, हम आप लोगों के आशीर्वाद से हम लोग सीख रहे हैं, और सीखते आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं बस। थैंक यू। स्कूल के बारे में, एक बेहतरीन रिजल्ट मैंने देखा जोधपुर के अंदर, आपने जिस तरह से ममता, जिस तरह से जोधपुर का नाम रोशन किया है, आपकी संस्था का नाम रोशन किया, और वाकई में और भी जितने भी तमाम स्टूडेंट हैं बात किया, जिस तरह से उनके बात करने का जो लहजा, बोलने का अंदाज, कहीं ना कहीं अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ी बात होती है, क्या मानते हैं आप? सर बिल्कुल सही बात है, जो व्यक्ति संघर्ष करके और यहाँ तक पहुँचता है उसको ये सारी कहानियाँ पता होती है, और किस तरीके से विद्यार्थी आगे बढ़े, किस तरीके से विद्यार्थी सफल हो और एक अच्छा रिजल्ट दे, वो शायद सीआर चौधरी से बेहतर कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि हम लोग परिस्थितियों से गुजरे हुए, हम लोगों ने संघर्ष किया है। मैं भी बाड़मेर के बाईतू की धरती से आता हूँ,
तो मैं मेरी जो जन्मभूमि है उनको भी प्रणाम करता हूँ, और यहाँ पर मेरी कर्मस्थली है इनको भी मैं नतमस्तक हूँ कि आज मैं एक 2001 के अंदर एक छोटा सा पौधा जो खड़ा किया था, आज एक बहुत बड़ा जोधपुर ज़िले में ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के अंदर भारत आदर्श और सीआरसी का नाम है, एक बहुत बड़ा वटवृक्ष का रूप ले चुका है। तो ये सब आप लोगों का आशीर्वाद, और विशेष रूप से यहाँ पर जितने भी जो अभिभावक हैं उन अभिभावकों का स्नेह, और यहाँ के जो विद्यार्थी हैं वो बहुत ही मेहनती हैं, यहाँ की जो हमारी जो टीम है उन सबको मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा शुभ दिन है और हम लोगों ने पूरे जोधपुर को टॉप किया है। ये आप बिटिया हमारे पास में खड़ी है जिसका नाम ममता चौधरी है, जिसने 10th बोर्ड के अंदर 98.50% बना करके और पूरे जोधपुर ज़िले को टॉप किया है। तो ये सब मेहनत की वजह से हुआ है और एक सिस्टम की वजह से हुआ है। यदि हमारे पास में सारी सुविधाएं नहीं हो, एक सिस्टम नहीं हो, एक फैकल्टी नहीं हो, एक स्टडी मटेरियल नहीं हो, तो ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। हमारे पास में आज के समय की ज़रूरत के अनुसार वे सारी सुविधाएं हैं, वो सारा सिस्टम है हमारे पास में जो एक आम विद्यार्थी को ज़रूरत होती है। साथ ही साथ में मैं यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट खड़े हैं, जैसे ये राशि जैन है जिसके 96.17 है, उसके बगल में आपके ये सोनिया भाटी खड़ी है 94% हैं, इधर पिंकी कंवर भाटी जिसके 94% हैं पास में, 93.80 भावना चौधरी, ये बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट्स वो सारे खड़े। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 12th के अंदर 50 स्टूडेंट में से लगभग 14 विद्यार्थी 90+। कई बार ग्रामीण प्रवेश से आने वाले जो गार्जियन है वे बड़े बड़े होर्डिंग्स वगैरह ये देख करके और बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट बहकावे में आ जाते हैं और वहाँ चले जाते हैं, हालांकि उनको वो चीज़ें वहाँ पर नहीं मिल पाती है, क्योंकि हम जो रिजल्ट दे रहे हैं वो धरातल पर रह करके हम लोग काम करते हैं। और इसके साथ में हमारा जो 10th का रिजल्ट है उसके अंदर भी लगभग 8 से 10 बच्चे हैं वो 90+ हैं और पूरा जोधपुर टॉप किया है, ये अपने आप के अंदर बहुत बड़ी बात है और हमें गर्व है हमारे इन सभी विद्यार्थियों पर, हमारी पूरी टीम पर और सारे इन बच्चों पर कि आज जिस दिन का हमें इंतज़ार था और जिस सपने को हम काफ़ी वर्षों से संजोए बैठे थे वो सपना हमारा पूरा हुआ। अब हम लोगों ने जोधपुर टॉप किया है, अब नंबर है राजस्थान की, राजस्थान भी हमें हमारे जो लक्ष्य हैं और हमारी मेहनत पर भरोसा है, इसलिए आने वाले समय के अंदर हम राजस्थान भी टॉप करेंगे इसी उम्मीद के साथ में और इसी लगन के साथ में हम लोग काम करते हैं। और आज के समय के अंदर आपने देखा होगा बहुत सारे जो लोग होते हैं काम करने के तरीके होते हैं वो रील कम होते हैं और रील ज़्यादा चलती है, हम लोग वास्तव में धरातल पर रह करके काम रील काम करते हैं। और ये आप लोगों ने बच्चों की ज़ुबानी इन पेरेंट्स की ज़ुबानी से आप लोगों ने सुना होगा। बिल्कुल सर, लेकिन ग्रामीण पृष्ठभूमि का अगर कोई बच्चा यहाँ पे जोधपुर की तरफ आता है शिक्षा के लिहाज से और इस संस्था के अंदर आता है तो क्या विशेषता है? सर, हमने जिस समय 2001 के अंदर विद्यालय की स्थापना की थी उसके जस्ट 1-2 साल बाद में हमें ये अनुभव होने लगा कि ग्रामीण परिवेश से आने वाले उन अभिभावकों के लिए हमने एक बेहतरीन हॉस्टल की भी व्यवस्था, उन्हें कहने का एक उचित एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता हो। बिल्कुल, उन अभिभावकों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि लोग पढ़ाना तो चाहते हैं लेकिन एक पारिवारिक माहौल किस तरीके से हॉस्टल के अंदर मिले, एक अच्छा खाना, एक अनुशासित तरीके से संस्कारवान, ये सारी चीज़ें एक पेरेंट्स चाहता है कि घर से दूर रहे लेकिन घर जैसा वातावरण रहे। तो हम लोग इस प्रकार का वातावरण, हमारे जो हॉस्टल हैं बॉयज़ और गर्ल्स दोनों प्रकार के हॉस्टल की व्यवस्था है और उसके अंदर ये हम लोग सुविधाएं देते हैं। और कभी भी एक पूरा सिस्टम होता है, सुबह 4:30 बजे उठना है तो उठना है और रात को 11 बजे सोना है तो सोना है, उसके बीच में पूरा एक नियमित रूप से रेगुलर एक सिस्टम चलता है, एक शेड्यूल चलता है और उस शेड्यूल की वजह से ही हम लोग प्रतिवर्ष एक नया इतिहास बनाते हैं रिजल्ट के अंदर। बिल्कुल।